मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हूँ। शिक्षा जगत में मुझे इग्नू के नाम से जाना जाता है। मेरी स्थापना 19 नवंबर 1985 को हुई थी। मेरी स्थापना के साथ ही मेरे सबसे पहले अभिभावक प्रोफेसर जी राम रेड्डी ने मुझे लगातार तरक्की करने की रफ्तार दी। मेरे इस शानदार सफर में मुझे तरक्की का रास्ता कई कुलपतियों ने दिखाया। सभी कुलपतियों के दिखाए रास्ते पर मैं लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा हूं। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले 10 वर्षों में मेरे यहां करीब 70 लाख विद्यार्थी अपना नामांकन करवा चुके हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुनिया के करीब 30 देशों की जनसंख्या 6 लाख से कम है। अभी तक मेरे यहां से 36 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पास हो चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में 34 लाख विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हर वर्ष करीब 10 लाख विद्यार्थी मुझसे जुड़ते हैं। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने मुझे A++ की रैंकिंग प्रदान की है। कोविड महामारी के दौरान भी मैं रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि ज्ञान दर्शन टीवी चैनल, ज्ञानवाणी FM रेडियो, ज्ञानधारा वेब रेडियो, फेसबुक और ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से निरंतर जुड़ा रहा। YouTube पर हमारे 85,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, Facebook पर हमारे 65,000 से ज्यादा और Twitter पर हमारे 50,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं देश का इकलौता मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय हूँ, जहाँ मीडिया के माध्यम से भी शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाता है। इस महामारी के दौरान ज्ञान दर्शन चैनल ने 8,000 से ज्यादा घंटों के रिकॉर्डेड कार्यक्रमों का प्रसारण किया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी को ऑनलाइन शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ 10 साधनों में स्थान दिया है। मैं देश में ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वयं प्रभा के जरिए लगातार विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से घर बैठे ही शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूं। मैं स्वयं प्रभा के 4 चैनल्स का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। मेरे यहां 21 स्कूलों के अंतर्गत 285 कार्यक्रमों में पढ़ने की व्यवस्था है। मेरे 2000 अध्ययन केंद्र हैं। इसके अलावा थल सेना, नौसेना, असम राइफल्स के जवानों और जेल में बंद कैदियों के लिए अलग से अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मैं केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा प्रदान करता हूँ। 15 देशों में मेरे 23 स्टडी सेंटर्स काम कर रहे हैं। साथ ही विदेशी भाषाओं के कई कार्यक्रम भी चला रहा हूँ। विदेशों में रहकर पढ़ाई करने वाले 80,000 से ज्यादा विद्यार्थी अभी तक अपना नामांकन करवा चुके हैं। मैंने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न विषयों के 19,63,00,000 पठन सामग्री का प्रकाशन और वितरण किया है। मैं केवल विद्यार्थियों को ही शिक्षित नहीं करता हूँ, अपितु समय समय पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आयोजन करता हूँ, जिससे शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े लोग नई विधाएं और तकनीक सीखकर उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहें। मैं देश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहा हूँ। इसके अलावा
दूरस्थ शिक्षा में काम कर रहे शिक्षकों तथा उससे जुड़े लोगों और दूसरे संस्थानों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देने का कार्य भी करता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कृषि पर कई पाठ्यक्रम चलाता हूँ, जिससे हमारे देश का किसान उन्नत हो सके। विद्यार्थियों की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए स्टूडेंट सर्विस सेंटर बनाया गया है, जो विद्यार्थियों की हर समस्या का समाधान करता है। साथ ही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। आईग्राम पोर्टल के जरिए 17 सितंबर 2017 से अभी तक 8,54,000 विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का 99.3% समाधान कर चुका हूँ। सभी का मकसद है कि प्रत्येक विद्यार्थी की पूरी सहायता की जाए, जिससे वो अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सके। भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मैंने अपने 20 कार्यक्रमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ। अभी तक करीब 60,000 नर्सिंग, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 1995 से मीडिया के क्षेत्र में भी मैं निरंतर कार्यरत हूँ। मेरे यहाँ से शिक्षित बहुत से विद्यार्थी मीडिया जगत में अपना नाम कमा रहे हैं। ई ज्ञानकोश मेरी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ पर विद्यार्थी अपने कोर्स से संबंधित सामग्री पढ़ सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर करीब 70,00,000 विजिटर्स हैं और 13 करोड़ से ज्यादा लर्नर्स पेज देख चुके हैं। ई कंटेंट मोबाइल ऐप ई ज्ञानकोश से जुड़ा हुआ है, जिसके 16,00,000 से ज्यादा यूजर्स हैं। मैं व्यास यानी वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट नाम का इंटरैक्टिव पोर्टल चलाता हूँ, जहाँ 25 शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में 25 और कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। इस तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने विषय से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मैं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन केंद्र भी चला रहा हूं, जहां से लोगों में दिव्यांगता से संबंधित जागरूकता फैलाई जाती है, जिससे दिव्यांग जनों को समाज में उचित अधिकार मिल सके। इसी साल इग्नू के पूर्व विद्यार्थियों के संगठन का गठन किया गया है। मैंने अपने पूर्व विद्यार्थियों से प्रत्येक रविवार वर्चुअली जुड़ने का प्रयास किया है। इग्नू इज अ हाईली प्रोफेशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सीमलेस क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोरस्टेप। इट रीचेस द अनरीच्ड, इज लर्नर सेंट्रिक एंड हैसल फ्री, एन एक्सीलेंट मीडियम टू अपग्रेड योर स्किल्स, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन। और अभी तक 21 क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े इन विद्यार्थियों तक मैंने पहुंच बना ली है, जिससे नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले और वो समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। मैं पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखता हूँ। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता हूँ। मैंने कैंपस की छत पर 500 किलोवाट पीक का प्लांट लगवाया है, जिससे मुझे सालाना करीब 30,00,000 रुपए की बचत होगी और 650 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। आसान भाषा में कहें तो ये 32,000 पेड़ लगाने जैसा है। मेरे कैंपस में ही जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और वाटर सीवेज ट्रीटमेंट भी किया जाता है। मेरा प्रयास है
कि कैंपस को ग्रीन इग्नू कैंपस के नाम से जाना जाए। मुझे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी मंजिलें हासिल करना बाकी है। नई तकनीक और नई शिक्षा नीति के माध्यम से मुझे वो मुकाम हासिल करना है जहां विद्यार्थी पढ़ने पर गर्व महसूस कर सके, साथ ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लक्ष्य को प्राप्त करना और शिक्षा को देश के अंतिम छोर तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। अगले वर्षों में विद्यार्थियों के नामांकन में लाखों का इजाफा करना है, साथ ही लर्नर सपोर्ट सेंटर बढ़ाने पर भी खास ध्यान रखेंगे। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है, और जीवन भर कुछ नया सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के पास पहुंचने की मेरी कोशिश जारी है। जी हां, मैं इग्नू हूं, मुझे इग्नू होने पर गर्व है।